आपने मुंबई के भिंडी बाजार के बारे में तो सुना ही होगा। जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें भिंडी बाजार के बारे में तो पता ही होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मुंबई के इस भिंडी बाजार को भिंडी बाजार क्यों कहा जाता है, इसे ये नाम कैसे मिला? तो चलिए जान लेते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी दबाएं और ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले नए वीडियोज आप रोजाना देख सकेंगे। देखिए, भिंडी बाजार दक्षिणी मुंबई का एक पुराना बाजार है। कई लोगों को ऐसा लगता है कि इस बाजार को भिंडी बाजार ये नाम सब्जी भिंडी से पड़ा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आगे मैं बताने वाला हूँ भिंडी बाजार को ये नाम कैसे पड़ा। हालांकि मुंबई की मुख्य भाषा मराठी है, तो इसे मराठी में भिंडी बाजार ऐसे कहा जाता है। भिंडी बाजार मुंबई में मोहम्मद अली रोड और खेतवाड़ी के बीच स्थित है। भिंडी बाजार के नजदीक आपको क्रॉफर्ड मार्केट, जिसे फूले मार्केट कहा जाता है, नल बाजार, चोर बाजार और अन्य कई छोटे मोटे मार्केट्स देखने को मिलेंगे। भिंडी बाजार में ज्यादातर मुस्लिम लोग रहते हैं, जो खासकर महाराष्ट्र के अलग अलग जगह, गुजरात, केरला और दक्षिण भारत से आकर यहाँ पर बसे हैं। यह बाजार आने जाने वाले पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। यह बाजार एंटिक्स और दूसरे देशों में आयात की गई इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं के लिए काफी मशहूर है। इस बाजार के नाम से 2011 में भिंडी बाजार नाम की बॉलीवुड फिल्म भी बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय संगीत के लिए मशहूर भिंडी बाजार घराना 1890 में भिंडी बाजार में ही पैदा हुआ है। मोस्ट वांटेड गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम भी इसी भिंडी बाजार में ही रहता था। तो इस बाजार को भिंडी बाजार नाम कैसे मिला जान लेते हैं। दक्षिण मुंबई के किले में क्रॉफर्ड मार्केट के दक्षिण में ब्रिटिश लोग रहते थे, तो वो लोग इस क्षेत्र को क्रॉफर्ड मार्केट के उत्तर में बिहेंड मार्केट ऐसा उल्लेख करते थे। लेकिन वहां पर रहने वाले लोगों की जबान पर आते जाते इस मार्केट का नाम भिंडी बाजार हो गया। तो आपको पता चला होगा कि बिहाइंड द मार्केट इस शब्द से ही भिंडी बाजार यह नाम मिला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्ञानवर्धक वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।